हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काइट पॉइंट। फ्रेंड्स, सीज़न चला गया है 15 अगस्त का और हमेशा की तरह बहुत प्यार मिला है सबका, तो आज वक्त मिला है हमें कुछ पतंगबाजी भी कर लें, जाते सीज़न में कुछ एंजॉय कर लें हम। तो फ्रेंड्स देखिए, हम अपना सारा बारूद ले आए हैं ऊपर, लोहा बारूद, और देख रहे हैं कि हमारे पास चरखी जो आज यूज़ कर रहे हैं ये है फरमूद बेग। ये तो नाम ही काफ़ी है वैसे, तो फरमूद बेग की चरखी हम यूज़ कर रहे हैं, अद्दी हम रज़ा की यूज़ कर रहे हैं। ये टेपिंग हो रखी है, हमने सब कन्ने वन्ने बांध लिए हैं इसके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज स्कोर क्या रहेगा हमारा। पहली पतंग छोड़ रहा हूँ और मैं इस पतंग को पहले चेक करना चाहूँगा, और चेक करके मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी चाल पतंग की सीधी है या नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि रज़ा की पतंग बहुत बढ़िया पतंग है। ये पतंग अजंता के पेपर पे है और इसकी चाल हमें ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं। आई थिंक ये मैं बना के छोड़ी है और अभी चेक कर लेता हूं कि ये पतंग हमारे इशारे की है या नहीं। इस पतंग की सेल सबसे ज़्यादा रही है हमारी शॉप में इस बार। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार खींच तान के इसको देखते हैं, इसकी मूवमेंट चेक करते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इशारे की पतंग है। तो फ्रेंड्स चलिए, अब इसको मांझे से हम छोड़। मेरे को ले लो मेरे। तो फ्रेंड्स, हमने पतंग को छोड़ दिया अब डोर से और पार कर रहे हैं थोड़ा। पतंग उड़ाने का पहला सूत्र जान लीजिए, बिगिनर्स के लिए बहुत काम आएगा, कि पतंग हमेशा पार करके लड़ानी चाहिए। उड़ाते ही जल्दबाजी करते हैं कई बिगिनर्स, तो ये ठीक नहीं होता। पहले आप अपनी पतंग को लंबा करें, काफ़ी हद तक लंबा करें, जब तक आप ओपोनेंट की बराबरी नहीं करेंगे तब तक पेच मत लड़ाएं। तो फ्रेंड्स, हमने भी पार कर लिए पतंग और छत के हिसाब में इतना मांझा बहुत रहेगा। अभी तो हमने पतंग बढ़ाई भी नहीं है और ओपोनेंट आने शुरू हो गए हैं। यही तो मज़ा है पतंग उड़ाने का 15 अगस्त के सीज़न में। तो पहले हमने अभी पतंग पार कर लिया मांझे से, अब मैं सद्दी बांध रहा हूँ, सद्दी की चरखी मैं पकड़ रहा हूँ और उड़ती पतंग के साथ ये गीठा लगा रहा हूँ। आई रियली अप्रिशिएट, ये पतंग की चाल बहुत ही मस्त है, आपके इशारे की पतंग है। तो चलिए फ्रेंड, हमने गांठ लगा ली है और आप थोड़ा सा और लंबा कर लिया जाए पतंग को। रोक ले कोई बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, कभी भी याद रखें, ओपोनेंट जब आ रहा हो तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, पहली पतंग हमने काट दी है और ये कुछ बच्चे आ गए हैं बीच में, तो फ्रेंड हमारे को थोड़ा सा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। तो अब लगाते हैं पेज नंबर 2। एक ये तोकिया पतंग हमारे बिल्कुल लंबाई में आई हुई है, बराबर में, तो हम कोशिश करते हैं कि चलिए इससे पेड़ लड़ाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, दूसरे की पतंग से ज़्यादा लंबी मैंने कर ली है और अब मैं मुड्डा दिखा रहा हूँ उनको। कोशिश मेरी यही है कि हम नीचे से पेड़ लें, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर ओपोनेंट नीचे से भी आता है तो। इफ़ यू हैव स्किल्स यू कैन डू इट। तो अब मैं नीचे पतंग फेर रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
तो ओपोनेंट अभी कुछ करने के मूड में नहीं है लग रहा है। इसी बीच एक पतंग कट के आ गई है और इसे हमें बचाना है अपनी पतंग को इससे, ताकि इसकी डोर हमारी डोर पे ना आए। मैं बड़ा ईगर हो रहा हूँ इस पतंग से लड़ाने के लिए फ्रेंड्स। चलिए इसको नीचे से आने का मौका देते हैं। आ जा भाई, चलिए फिर दूसरा पेज भी हमने काट दिया। अब ये बीच में एक डोंगा पतंग आ गई है। डोंगा बड़ा भारी होता है और डोंगे से कभी भी, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पतंग बीच में आ गई है, डोंगा कहते हैं इसको। तो फ्रेंड्स इस डोंगे को काटने के लिए बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पतंग हमारी पतंग से ज़्यादा वजन की है और भारी है, और ये फॉर श्योर कि इसने डोर भी भारी ही लगा रखी होगी। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको भी काटने की। इसके लिए मेरे को और लंबी करनी पड़ेगी। चलिए हमने डोर फेर दिया इसके नीचे। चलिए अंदर की हाथ दिखा के हमने इसको भी काट दिया। तो फ्रेंड्स अब आप देखते हैं कि हमारे आने के बाद थोड़ा आसमान कुछ खाली सा दिख रहा है, और हमें इंतज़ार है कोई ऐसी पतंग मिले जो हमारे को बराबरी की टक्कर दे, पर आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई ऐसी पतंग है। तो हमें इन्हीं सबसे पेश लड़ाना पड़ेगा आज। ये देखिए मैं कहाँ ऊपर रख रहा हूँ उस पतंग के, बगैर हवा में जा रहा हूँ, पर फिर भी पूरी हवा के बगैर भी देखिए रजा की पतंग कैसे चल रही है। तो एक के बाद एक पतंगे आपको दिख रही हैं कटती हुई, और आसमान खाली होता दिख रहा है। फ्रेंड्स बचपन से आज तक बहुत पतंग उड़ाई है, पर अभी कुछ समय से हमारा हाथ बड़ा हल्का हो गया था, तो ओपोनेंट जरा जोर पकड़ लिया था ओपोनेंट्स ने। चलिए फ्रेंड्स एक और सफलता हासिल हो गई है। देखने वाले ये कहेंगे कि बच्चों की काट रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बच्चों की काटना बहुत मुश्किल होता है, एक पतंगबाज की काटना बहुत आसान होता है। इसी बीच देखिए दो दो तीन तीन ओपोनेंट और बढ़ा रहे हैं और हमें इंतज़ार है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है ये पतंग आज हमारी वापस ही आ जाए तो काट के इवनिंग तक, क्योंकि मुझे ऐसा कोई ओपोनेंट दिख नहीं रहा कि जिससे हमें भी कोई पेच लड़ाने में अच्छा लगे। फिर भी हम कंटिन्यूसली आपका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे फ्रेंड्स। अब मैंने ये चैनल की भागदौड़ फिर संभाल ली है, काफ़ी समय तक मैंने इस पे काम नहीं किया था। ले धीरे धीरे, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, दिल्ली में गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत समय के बाद मैं टेरेस पे आया हूँ, बहुत समय के बाद, हमारी अपनी टेरेस तो बची नहीं है, पर अपने छोटे भाई की टेरेस है एक भाई की, उसकी छत पे आके मैं आज ये पतंगबाजी कर रहा हूँ, और रियली बहुत मज़ा आ रहा है। हवा बहुत मीडियम थी इसलिए मैंने अद्धी पतंग को चुना है, अगर तेज़ हवा होती तो शायद मैं मंझोली को चुनता। आप रजा की चाल देख सकते हैं, बिना कुछ हाथ लगाए ही चाल इतनी शानदार है।
रोक लेगी ना रोटी इसमें। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एक डोंगा पतंग हमारे बीच में फिर से प्रकट हो गई है। लगता है ये शायद जिसके हमने पहले काटी थी वही ओपोनेंट ने दोबारा से ये डोंगा पतंग उड़ाई है। ये डोंगे का शौकीन है, लगता है गोलगप्पे बहुत खाता है। तो चलिए फिर से इसे पकड़ते हैं बगैर हवा के, जाना बड़ा मुश्किल काम है पर फिर भी कोई बात नहीं। अभी तक हथियार छोड़ दिए थे पर चलाना नहीं भूले। आगे भी दो चार पतंगे इस तरफ आ गई हैं पर हमें तो इस डोंगे को ही काटना है, हमें तो इस डोंगे को ही काटना है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पतंग मैंने उससे काफ़ी लंबी ले रखी है और बड़ी पतंग को काटने का तरीका ही यही है कि आप अपनी पतंग को पहले उस पतंग से लंबा करें, डोर दें, आप खुल के डोर दें। और मैं उसके नीचे ही नचा रहा हूँ अभी, जैसे ही ये मुझे मौका देगा मैं इसे खींच दूँगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ उसके नीचे लेके जा रहा हूँ और उसके हाथ पैर फूलने लग गए हैं। वो ऊपर ही ऊपर करे जा रहा है, ओपोनेंट ऊपर ही ऊपर करे जा रहा है। फ्रेंड्स भैया की पतंग जाती है, भैया की पतंग कट गई है। तो चलिए कोई नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार, हम बड़ा हल्का ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक था। आज सीज़न की पहली पतंगबाजी हमने करी है अपने सीज़न काटने के बाद, शॉपकीपिंग के बाद में आज थोड़ा सा टाइम मिला था। तो चलो हमने 7-8 पतंग तो काटी हैं बट ओपोनेंट्स सारे ही हल्के थे, अच्छे ओपोनेंट्स नहीं थे। डोंगा पतंग ने हमारे को खड़ा गद्दा मार दिया था। खड़ा गद्दा मारने के बाद हमारी पतंग जो थी हवा में मिल गई थी उसको, तो हमारे को मौका ही नहीं दिया तो पतंग कट गई है। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए हमारे काइट पॉइंट चैनल पे और सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें। आज का ब्लॉग छोटा सा था बट कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।